Bismillahirrahmanirrahim. Welcome all of you to my YouTube channel MCA. Today we are going to discuss about completing square. तो आज हम study क्लब में जा रहे हैं completing square second method to solve quadratic equation. ये एक दूसरा method है कि हम quadratic equation को पहले video में हमने by factorization method से solve किया. अभी हम solve करने जा रहे हैं by completing square. तो completing square जो है वो उसमें चार पांच steps को follow करना पड़ता है. number one step ये है कि जो question है आपके पास उसको आपने standard form में लाना है. तो ये already standard form में है. question आपने standard form में लिखा है तो आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर है. अभी इसको ये जो है ना कांस्टेंट इसको आपने शिफ्ट करना है. इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस नाइन ये आपने शिफ्ट किया. अभी जो मेन स्टेप्स है कंप्लीटिंग स्क्वायर में वो ये है कि जो x कोफिशिएंट है x का आपने हाफ लेके इस x का हाफ लेके मींस दैट x का हाफ कितना होता है x by 2 और इसका आपने फिर स्क्वायर लेना है. इसका स्क्वायर लेके तो आपने फिर दोनों साइड इस साइड भी और इस साइड भी इसका स्क्वायर को आपने ऐड करना है. मींस दैट इधर हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है वो माइनस 8 है तो हम माइनस 8 को इधर लिखेंगे और बाई 2 होल स्क्वायर. इससे जो आंसर आएगा उसको हम इधर दोनों साइड ऐड करेंगे तो माइनस 8 64 बाई 4 तो 14 ये हमारे पास तकरीबन 16 आ तो ये हमारे पास 16 आ गया. तो ये जो मेन स्टेप है इस पे आपने फोकस करना है. ये जो 16 किधर से आए हैं ये हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर में है. ये एक फार्मूले भी है x प्लस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर. ये जो फार्मूला है इसको हमने इधर बनाना है और ये वाला फॉर्म पर लिखना है. मतलब ये है कि हम ये वाला फॉर्म बनाएंगे और इसकी जगह पर ये वाला फॉर्म इधर लिखेंगे. तो इस फॉर्म को बनाने के लिए हम ये जो एक्स है इस कोफिशिएंट का हाफ लेके और उससे जो आंसर आता है उसको हम दोनों साइड में ऐड करते हैं. 16 आंसर आया है तो हम इधर करते हैं एडिंग 16 ऑन बोथ साइड. एडिंग 16 on both side. Clear? तो x square minus 8x plus 16 is equal to minus 9 plus 16. तो x अगर आप इधर गौर करें ये जो x है और ये 16 है तो हम 16 को 4 square लिख सकते हैं. तो अगर इधर 4 आप लिख ले वैसे रफ में 4 है इधर 4 स्क्वायर है मींस दैट ये 4 स्क्वायर है तो हमारे पास a माइनस b यानी x माइनस y का फॉर्मूला इस तरह बन सकता है कि x माइनस 4 होल स्क्वायर ये वाला फॉर्म हमने लिखा. ये प्लस माइनस का इशू नहीं है. इधर माइनस है तो हमने इधर माइनस लिख लिया है. योर फॉर्मूला बनता है किस तरह बन सकता है आप इधर प्रूफ भी कर सकते हो कि ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस टू फार्मूले से ये वाला और एक जगह क्या है कोफिशिएंट वन है वन और बी की जगह क्या है फोर है और प्लस फोर स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये वाला फॉर्म भी इसी तरह है. तो हम इंस्टेड ऑफ दिस हम ये पुट कर सकते हैं. फर्दर मोर हम जाते हैं तो माइनस नाइन प्लस सिक्सटीन नाइन टेन
एंड 16 7 तो ये हमारे पास 7। अभी जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इस एक स्क्वायर को खत्म करना है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लेते हैं x माइनस 4 और स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर कैंसिल, x माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर 7, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 7, x इज इक्वल टू अंडर रूट 7, तो रीअरेंज करके 4 प्लस माइनस अंडर रूट 7 लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो आंसर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, मींस दैट कि हमारे पास एक आंसर होगा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो 4 प्लस अंडर रूट 7 एंड 4 माइनस अंडर रूट 7 होगा। दिस इज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से किस तरह सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो कांस्टेंट है उसको शिफ्ट किया। कांस्टेंट शिफ्ट करने के बाद जो एक्स का हमने जो एक्स बाई टू इधर लिखा है उसका होल स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि इधर जो x का कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक उसको हाफ करके और उसका जो कोफिशिएंट है x का वो x की जगह हमने लिख लिया और उसको सॉल्व किया, उससे 16 आया। ये मुख्तलिफ क्वेश्चन में मुख्तलिफ होगा लेकिन फार्मूला यही होगा, x बाई टू होल स्क्वायर करना है और जो x का कोफिशिएंट होगा उधर x की जगह इधर ही पुट करना है। तो फाइनली वी कंक्लूड दैट कि हमारे पास जो आंसर है, फिर हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। जब हमारे पास वो फार्मूला इस तरह हम ये जो क्लोज फॉर्म फार्मूले बनता है तो इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट लेना है, ये वाला स्क्वायर खत्म करना है और आफ्टर डेट हमारे पास ये वीडियो आ जाते हैं। और इसमें ये जो है हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं और ये मींस डेट ये 8 नहीं है, 16 है इधर, तो 16 मींस 4 आता है, 4 स्क्वायर 16 कैंसल, लेकिन ये 7 है तो 7 के साथ हमने फिर प्लस माइनस लिखते हैं, स्क्वायर रूट से खुद से लिखना पड़ता है, स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर रूट से खुद ही आता है। तो ये थे कंप्लीटिंग स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूफ करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्रूफ करके हम कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला प्रूफ होगा जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम यूज करके तो हम एनी टाइप क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें फैक्टराइजेशन में भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन, कुछ इस तरह क्वेश्चन होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं वो कंप्लीट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय फैक्टराइजेशन वो सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो डायरेक्ट जाके आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में प्रूफ करके एनी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप प्रूफ करके आपको आंसर दे सकता है। और ये जो है ये थोड़ा रिस्ट्रिक्ट है, ये आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। तो अगर एग्जाम में आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आपने ये बाई फैक्टराइजेशन करना है या बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो इसी तरह क्वेश्चन देगा कि वो सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल इसी तरह नहीं देगा कि आप डायरेक्ट जाके उधर क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें, और उसमें थोड़ा सोचना भी पड़ता है उसमें मिड टर्म और कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये फार्मूला बनाना। सो ऑल द बेस्ट, स्टडी करते